हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 34। ये 22 सितंबर की वर्कशीट है। तो ये जो वर्कशीट है, ये मोडल्स हम डिस्कस कर रहे थे उसी की कंटिन्यूएशन में वर्कशीट है। इस वर्कशीट को, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी को इस वर्कशीट से, इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर जो है वर्कशीट बताई गई है, ये है मोडल मस्ट के ऊपर। तो यहाँ रूल्स के बारे में आपको बताया गया है। अब रूल्स जो है वो मस्ट होते हैं फॉलो करने के लिए। अब कुछ एक्साइटिंग आपको फन फैक्ट्स भी बताए गए हैं रूल्स के बारे में। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि रशिया में एक्चुअली इलीगल है डर्टी कार, मतलब अगर कोई कार गंदी हो, साफ नहीं हो, तो उसको ड्राइव करना रशिया में इलीगल है। मतलब कि आपको जेल में डाला जा सकता है अगर आप ऐसी कार ड्राइव करते हैं। तो ओशावा ओंटारियो में इट्स अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री, आप वहां पर पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते हैं, ये लॉ के अगेंस्ट है। वहीं मिलान इटली में इलीगल है कि अगर लोग जो है पब्लिक में फ्राउन करते हैं, मतलब बड़ा सड़ा सा मुंह बना के रखते हैं या मुंह पे गुस्सा सा बना रखते हैं या सैड से रहते हैं, अनलेस दे आर एट अ फ्यूनरल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल। तो बस अगर आपके कोई कहीं भी ना आप हॉस्पिटल में विजिट करने जा रहे हैं या फिर आप फ्यूनरल से आए हैं, मतलब कोई पास अवे हो चुका है, कोई किसी की डेथ हो चुकी है और वहां से आप आ रहे हैं, तभी आप जो है सैड फेस लेकर घूम सकते हैं। अदरवाइज मिलान इटली में सैड फेस लेके फ्राउन करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फिर आगे आपको बताया गया है और क्या इलीगल है यहाँ पर। सिंगापुर के बारे में यहाँ बताया गया है कि सिंगापुर में जो है इट इज इलीगल टू चू गम इन सिंगापुर, वहां पर आप जो च्युइंगम होती है वो आप नहीं खा सकते हैं। और वेनिस में पिजन्स को, कबूतरों को खाना खिलाना जो है या दाना खिलाना, वो इलीगल है, वो मना है। तो अब इसी के एग्जाम्पल देते हुए है कि आपको बताया गया है कि आपको जो मोडल मस्ट है वो यूज करना चाहिए कब, जब इट बिकम्स आर ड्यूटी टू डू समथिंग। तो जब हमारा कुछ करने का फर्ज बन जाता है तब हमें मस्ट यूज करना चाहिए। यू आर ऑब्लाइज टू डू इट कि आपको करना पड़ता है, आपको करना चाहिए। यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट इज अगेंस्ट द रूल और इज फॉरबिडन, या कोई रूल है या कोई आपको कुछ करने से मना किया गया है तब आपको मस्ट जो है वो यूज करना है। जब आपको कुछ अलाउ नहीं किया जाता तब आपको मस्ट यूज करना है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स, आई मस्ट वेयर यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी। तो इस तरह से आपको मस्ट का यूज करना है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, वो जल्दी से देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर सूटेबल मोडल यूज करना है। फर्स्ट है आपका दीज डेज वी डैश वेयर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। तो आजकल हमें, जब भी हम बाहर जाएं तो हमें मास्क पहनना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है, हम ऑब्लाइज ऐसे करने के लिए, इसलिए हमें यहाँ मस्ट यूज करेंगे, दीज डेज वी मस्ट वेयर अ मास्क। अगला है आपका अ शील्ड डैश बी वर्न इफ यू नीड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद अ कोरोना पेशेंट। तो अगर आप किसी कोरोना पेशेंट से मिलने जा रहे हैं या कोई सिचुएशन है कि आप उनसे कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं तो हमें शील्ड पहननी चाहिए। तो अगेन यहाँ पर भी मस्ट ही आएगा, वी मस्ट वेयर इट। यू डैश वेयर अ शील्ड इफ यू गो टू द मार्केट। तो आप कैन लिखेंगे या हैव टू लिखेंगे। तो अगर आपको मार्केट जाना है तो आपको शील्ड पहननी चाहिए। अब मार्केट जाना है तो आप जो है मास्क भी पहनकर जा सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यू कैन वेयर अ शील्ड, ये कंपल्सरी नहीं है, ये हैव टू नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आप शील्ड भी पहन सकते हैं, वो और अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप कैन लिखेंगे। एज मच एज पॉसिबल वी डैश स्टे एट होम, जितना भी पॉसिबल हो हमें घर पर रहना चाहिए। तो वी मस्ट स्टे एट होम, यहाँ कैन नहीं आएगा, यहाँ मस्ट ही आएगा फोर्थ में। फिर अ सैनिटाइजर डैश बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अदर्स। तो हमें सैनिटाइजर यूज करना चाहिए जब हम कोई ऐसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं जो, जिसे किसी और ने भी छुआ है। तो हमें वी मस्ट, अ सैनिटाइजर मस्ट बी यूज्ड, ठीक है। तो आपको जरूर सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। वैसे आप यहाँ शुड भी लिख सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मोडल्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई सही गलत नहीं होता है, सभी ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन कौन सा मोर अप्रोप्रिएट है किसी सिचुएशन में, कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा, वो जो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप मस्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि देखो मैं अगर हाथ धोना चाहता हूँ तो आप शुड भी लिख सकते हैं, बट मैं कहूंगी कि आज की अगर सिचुएशन देखें तो मस्ट जो है वो यहाँ ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आगे देखते हैं, टू बी सेफ
कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज अ डैश, तो सेफ होने के लिए आपको अपनी वाटर बॉटल जो है जरूर ही कैरी करनी चाहिए. कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज अ मस्ट. पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरियाज डैश मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट. तो जो लोग कंटेनमेंट एरिया में रह रहे हैं दे मस्ट मिनिमाइज, तो उन्हें ये कम करना चाहिए, पब्लिक कॉन्टैक्ट उन्हें बिल्कुल कम से कम रखना चाहिए. वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली डैश बी इंश्योर्ड, तो हमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि हम रेगुलरली जो है अपने हाथ धोएं, तो यहाँ पर भी मस्ट ही आएगा. नाइन्थ है यू डैश ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम. तो अब यहाँ पर जो है थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर आपको बोला गया है, एक ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो आप साइन लैंग्वेज भी डेवलप कर सकते हैं आपस में बात करने के लिए, ताकि बोलना ना पड़े, क्योंकि बोलेंगे मुंह खोलेंगे तो हो सकता है जर्म्स का आदान प्रदान हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो उससे बेटर है कि एक साइन लैंग्वेज कर ले. लेकिन ये जो है आप यू कैन ट्राई, तो ये ऑप्शन है, ये ड्यूटी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आप यहाँ यू कैन ट्राई लिखेंगे. फिर है ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी, तो हमें जो है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्दी फूड खाना चाहिए, तो ऑल ऑफ अस शुड, यहाँ पर एडवाइस है तो शुड आएगा यहाँ पर. देखिए इजी सी वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको समझ आई हो. फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए. थैंक यू.